मैं इस वक्त आराकोट की उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ ये प्राकृतिक आपदा जिसे कहा जाए बादल फटा, कई जाने उसने अपने में समेट ली। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी हैरान कर रही है, पूरा रास्ता काट दिया है। ये पहली तस्वीर इस इलाके की है जो इसके आगे को जोड़ती है, उस रास्ते को ही काट के जो भीड़ है, लोग किस तरीके से आ रहे हैं आप देखिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जेसीबी पीछे से रास्ता बनाता हुआ आ रही है, लेकिन आगे लोग उससे आगे कैसे आएंगे उसके लिए भी एक जेसीबी तैयार है, पूरे रास्ते को काट दिया है। नीचे ये जो पड़े पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर भी उस बादल फटने के बाद नदी में आ गए हैं। टोंस नदी है और जो बादल फटा है, अगर आपकी नज़र जाए जो ऊपर का हिस्सा किसका नीचे आया, खिसकते हुए नीचे आया, इसके पीछे ठीक बता रहे हैं वहाँ जो रेस्क्यू टीम पहुँची है वहाँ पैदल पहुँचना भी असंभव लग रहा है लोगों को, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, तमाम जो प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है रेस्क्यू कराने की। ये तस्वीर टोंस नदी के आराकोट की जगह पर है और दूसरी तरफ ये जो बताया जा रहा है कि ये पूरा इलाका है, इस गांव में जिस तरीके से बादल फटा था, एक सैलाब आया और सैलाब जितनी चीज़ें आगे समेटता हुआ चला गया और काफ़ी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। और ये बताया कि कई जो जाने इसमें गई हैं, कई अभी भी नहीं पता चला लोगों को कि इसमें कौन किसका कहाँ है। कुछ यहाँ के इलाके के लोकल्स हैं, उनसे पूछते हैं भाई साहब क्या आप लोगों ने क्या देखा था जब हुआ था? मैं तो आज ही आया हूँ, बेसिकली आई एम फ्रॉम त्यूनी। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, तो ये वैसे तो हिमाचल से चढ़गांव साइड से भी बहुत ज़्यादा, ये स्पबर नदी है जिसका आप अभी शूट किया है, तो उसमें इतना जो 78 में यहाँ महामारी फ्लड आया था उसको भी ओवरविन कर। कौन सा रास्ता जो कट गया? ये हिमाचल के लिए अप्रोच रोड है। अच्छा, ये हिमाचल को जोड़ता है? हिमाचल को जोड़ता है। जो ऊपर से गिरते हुए नीचे आ रहा है वो कौन सी जगह? ये उत्तराखंड का है और ये जो आप टावर सामने देख रहे हैं यहाँ से हिमाचल और उसकी बाउंड्री है। अच्छा, ये उस रास्ते को आगे लपेटना है जो बताए, जो चीज़ें आई सामने, यहाँ पे आगे भी नुकसान हुआ है? हाँ, नदी के किनारे बहुत सारा नुकसान हुआ है। आप इलाके के लोकल कहाँ के आप? अच्छा, ये आप लोगों ने सुना था क्या क्या हुआ यहाँ पे इस तरीके से? कितना नुकसान आपको लग रहा है? कई करोड़ों में, जो लगभग अनगिनत है। ये रास्ता आगे तक बनाता चला गया बादल जो बिल्कुल, और जो बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ जो हुआ है वो काफ़ी है, नुकसान टीम अभी नहीं पहुँची, टीम पहुँची है, लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, संपर्क लोग नहीं पहुँच पा रहे, संपर्क टूट गए सारे, कोई भी साधन नहीं है वहाँ पर सिवाय जहाज के, कोई साधन नहीं है बिल्कुल। ये तस्वीरें हैं इस इलाके की, ये पुल है, और जो मैं आपको इस इलाके से थोड़ा आगे एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जब पानी जब आया था तो ये पानी ऊपर तक था और सड़क को काटी। देखिए लोग किस तरीके से जाने का इंतज़ार कर रहे थे और अब थोड़ा सा कितना मुश्किलात, यानी मुश्किल भरा ये रास्ता है। जब बादल फटा था और उसके बाद ये रास्ता पूरी तरीके से टूट चुका था, और टूटने के बाद पीछे अगर आप देखें ये हिमाचल को जोड़ता है रास्ता, जेसीबी पीछे भी काम कर रही है, इस तरफ भी काम कर रही है, और जो लोग हैं किस तरीके से इस इलाके से होकर गुजर रहे हैं, भीड़ इंतज़ार कर रही है, कम्युनिकेशन कट गया है, और ये जिस तरीके की स्थिति है वो काफ़ी हैरान कर रही है। क्या नाम है आपका? पीछे चलो, क्या हुआ यहाँ पे? अरे पीछे चलो ना, पीछे पूछो लोगों को यहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर है? यहीं से पीछे मेन मार्केट में जहाँ हादसा हुआ। यहाँ से कितनी दूर है यहाँ पे आप? 100 मीटर। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, खुद यहाँ आ रहे हैं, जिस तरीके की किसी प्राकृतिक आपदा हुई है, रेस्क्यू लगातार जारी है। जो तस्वीरें हैं काफ़ी हैरान कर रही हैं। फिलहाल ये पहली तस्वीर थी, ऐसी कई तस्वीरें इस इलाके में हैं जो लगातार जिस तरीके से कोशिश की जाएगी। हालांकि लोग ये बता रहे हैं कि काम चल रहा है प्रशासन का, और ये भी एक तस्वीर थी और इसके आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी आपने देखी हैं। तबाही के इस मंजर में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरान कर रही है। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। जो तस्वीरें हैं सिर्फ यही है, मैं जिस नदी पर मौजूद हूँ बादल यहीं फटा था और पानी जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोगों को घरों को अंदर से, यानी सामान और घर अपनी चपेट में लेते हुए आगे निकल गया। ये एक ऐसा गांव है, बताया जा रहा है कि इसके आसपास 3-4 जगह ऐसे हादसे हुए जिसके बाद ये तस्वीर देखने को मिली। ये पौर नदी है और ये घर जो बताया जा रहा है कि ये भी इसकी चपेट में आया था। ये देखिए जिस तरीके से सारा का सारा ये मलबा जो आया है, पानी का जो बहाव आया है, पूरा घर अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें देखें आप, इस घर की हैं। सारे लोग आसपास के इलाके के परेशान हैं कि जहाँ जहाँ ये निशान बनाते हुए छोड़ते हुए चली गई तबाही के, उनमें से एक तस्वीर ये भी है। ये इस आराकोट के इलाके का घर है, ये पूरी तरीके से कहा है कि तबाह कर दिया है इसको। और ये जो है ये तस्वीर आप देखिए इधर, ये किस तरीके से इस घरों के अंदर से होते हुए ये पानी निकला है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ये बेड है और क्या है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ये देखिए, ये कपड़े सूख रहे थे वो वैसे ही रह गए, और ये आज भी इंतज़ार है इनको मदद, ये कह रहे हैं कि उनको मदद नहीं मिल रही है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है काफ़ी डरावनी तस्वीर है इस घर की,
ये पूरा उस बाढ़ की, यानी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो आपदा आई है, बादल जब बस्ट हुआ है, जो फटा है, उसके बाद पानी का जो तेज बहाव था वो आया, जिस तरीके से सैलाब आया, पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, यहाँ के लोग हैं, क्या 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 हुआ, क्या अचानक से क्या पता लगा था? ये हमें कोई पता नहीं चला, ये एकदम से आया, हम भागे, अपना घर से कुछ भी नहीं बचा पाए, अपने बच्चों के कागज भी नहीं बचा पाए, कोई सामान नहीं, सिलेंडर, खाने पीने की सारे सामान दब चुका है, लेकिन हम जान माल का हमारा नुकसान तो नहीं हुआ, हमारी भाभी का हुआ है, और राहत के लिए हमारे लिए कैंप जो लगा है खाने का, वो 1 किलोमीटर पीछे रेस्ट हाउस में है, और रास्ता भी ख़राब है, हम वहाँ जाने के लिए भी असमर्थ है, हम कह रहे हैं हमें टेंट की व्यवस्था कर दीजिए, हम टेंट में ही रह जाएंगे, और उसी के अंदर जो हमें एक सिलेंडर दे दीजिए, हम मिलकर यहीं पे खाना खा लेंगे। मैं खुद भी बीपी की पेशेंट हूँ, मैं चलने में असमर्थ हूँ, मेरे बच्चे, बच्चों के सारे कागज़ भी दब चुके हैं, कुछ नहीं बचा पाए हम, तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ। कितना नुकसान यहाँ आपको? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा 70-80 हज़ार का तो शरिया चले गया है, 800-900 ईंटें चली गई है, पूरे घर के साथ ही सारा सामान मेरा, ये देख रहे तहस तहस, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा जो गया है, बच्चों के कागज मैंने, मेरे कागज मैंने, बाकी तो मैं सभी कर भी लूँगी, और मुझे खाने की थोड़ी सी टेंट की, रहने की सुविधा, या मुझे कहीं पे एक मकान बनाने के लिए, टेंट लगाने के लिए जगह देने की थोड़ी सी हो। बिल्कुल, ये एक दर्द है इनका, क्योंकि इनका घर चला गया है, सामान जिस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से हो गया है, ये वो लोग हैं जो पहुंच गई है, आसपास के तमाम घर ऐसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है। आप लोग इस इलाके में ही रहते हैं, क्या मदद किस तरीके से पहुँच रही है आप लोगों पर, क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर जितने भी लोग हैं इनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, मदद के तौर पर टीम तो आई थी लेकिन पूरी सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या हर तरह ऐसी तरह की स्थिति है यहाँ पे? हर तरह तो है सर, बनी हुई है। क्या पानी घरों में भरो, इस तरीके से ही घर बहा के ले गया पानी? बहुत, जो नदी के किनारे घर थे वो बहे, जिस तरीके से किनारे पे थे सारे। हाँ जी, कई काफी घरों को नुकसान हुआ है और इन्हें सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। आप भी यहीं रहते हैं आसपास ही? अच्छा, ये आपका है? ये मेरा है, सारा बह चुका है, 10-11 मेरी गायें थी वो दब गई, बह गई हैं, जिसको कि डॉक्टर साहब ने देखा, पोस्टमार्टम करके चले गए, वो हमने फिकवा दी, लेकिन घर में कुछ नहीं बचा हुआ है, बेघर हो गए। ये देखो आप अंदर आके, अंदर देखिए, जहाँ देखिए दरवाजा नहीं खुल रहा, ये साफ सी तस्वीर है, ये मिट्टी का जो है ये एक हिस्सा एक ऊपर आ चुका है, पहले खुलता था, ये देखिए आप, देखिए कितनी तस्वीर की जो है वो काफी हैरान कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ, आप ये बताइए कि ये दरवाजा पहले खुलता था? ये खुलता था, यहाँ कमरा अंदर अंदर, आप टॉर्च है बेटा, टॉर्च है। अच्छा, अंदर सामान है, ये यहाँ से देखो आप, दीवान बेड है अंदर, फ्रिज है, अलमारी, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए अलमारी। कोशिश करूंगा एक बार दिखाने की, ये घर है और ये जिस तरीके की तस्वीर दिख रही है, जो दर्द है लोगों का वो साफ जुआ पर दिखाई दे रहा है कि कितनी हैरान ये कर रही है ये तस्वीर, क्योंकि ये घर जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, ये उस हिस्से पे बैठा हूँ जहाँ पानी रेत आ गया है घरों के अंदर। ये लोग अपना दर्द बता रहे हैं, इनकी गायें बह चुकी हैं, हालांकि इन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई जरूर है, लेकिन जो हालात हैं वो यही हैं, ये तस्वीर है वो यही है कि इस इलाके में, आराकोट इलाके में जो तबाही का मंजर लोगों ने देखा है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। हालांकि अब आपदा के बाद प्रशासन अपने काम पर लगा है, कोशिश ये है इनकी कि इनकी मदद की जाए, इस जो हादसे से जो लोग अभी भी लापता है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लोगों की मदद की जा रही है। हालांकि इनका कहना है कि इनको जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो दूर है यहाँ से, जो बताया जा रहा है कि उनको एक टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए वो ज़रूरी है, और जिस तरीके की जो चीज़ें हुई हैं इनके साथ, जो तबाही का मंजर इन्होंने देखा है, कहीं ना कहीं वो उसके लिए प्रशासन से मदद की एक गुहार लगा रहे हैं। जिस जगह पर ये सारा हादसा हुआ है, मैं यहाँ से इस मलबे के नीचे से दो जिंदगियों को, यानी जो डेड बॉडी बताया जा रहा है, टीचर और उसकी पत्नी को निकाला गया, सारा सामान वैसे ही दबा पड़ा है, बताया जा रहा है कि अचानक से सब ने इसको देखा, ये किताबें हैं, बच्चों की किताबें, ये भी इसके नीचे दबी पड़ी हैं। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से सारा सामान लोगों का, चाहे बर्तन हो, खिलौने हो, और चूल्हा भी यहीं पे है, ये आप देखें, ये मंजर तबाही का
सब ने देखा, लेकिन ऐसा हैरान कर देने वाली तस्वीर है। और जिस तरीके की ये पूरी तस्वीर बताया कि यहाँ पे बिल्डिंगें थी, वो पूरा का पूरा एक ढह गया और इस मलबे के नीचे दो जिंदगियाँ तबाह हो गई। हालांकि कई लोग अभी भी लापता हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये मैं आपको एक तस्वीर और दिखाऊँ इसके पास की, इसके पास ही पानी पार चला गया था बता रहे हैं लोग। और उसके बाद ये मंजर जो है अचानक से बदल गया, लोगों की चीखें निकलने लगी, लोग चिल्लाने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे। लोग समझ पाते क्योंकि देर रात का ये वक्त था, और अगर ये चीज़ें समझ पाते तो शायद वो संभाल सकते थे। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, कुदरत का कहर है जो अचानक बरपा और कई जिंदगियां अपने में समेट ली। और ये तस्वीर ये बयां करती है, वो दर्द बयां करती है कि आखिरकार जो यहाँ हुआ है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। हालांकि तमाम अमला प्रशासन रेस्क्यू काम पर लगा है, लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी हैरान कर रही हैं। कैमरा मैन धीरज ठाकुर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 आराकोट।